गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ अप्पू के साथ ढाई साल। लेखक हैं श्री सत्यजीत राय। आज हम इस पैसेज को करेंगे। देखिए, प्रस्तुत जो गद्य पंक्तियां हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोहय भाग वन में संकलित अप्पू के साथ ढाई साल नामक संस्मरण से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री सत्यजीत राय हैं। इस संस्मरण में उन्होंने अपनी प्रथम फिल्म पथेर पांचाली के निर्माण के समय होने वाले अनुभवों का उल्लेख किया है, क्योंकि जीवन में प्रथम रचना एवं प्रथम फिल्म का अपने आप में बहुत महत्व होता है। देखिए, काश के फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। काश के फूलों का जो मैदान है या वन है वहाँ पहुँचते हैं और सुबह की शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने आधा जो भाग चित्रित किया, यानी कि आधा ही सीन हमने लिया। जो उन्होंने सीन लेने थे दो दिन में पूरा होना था, तो एक दिन उन्होंने आधा ही सीन को लिया। निर्देशक छायाकार, लेखक ने क्या बताया कि निर्देशक छायाकार छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बुराए हुए ही थे। क्या बताया लेखक ने कि वे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए कलकत्ता से जब लगभग 70 मील दूर एक गांव में गए तो वे प्रातःकाल ही शूटिंग के काम में लग जाते हैं और एक दिन ही उन्होंने सुबह से शाम तक एक सीन का आधा भाग चित्रित किया। और लेखक ने कलाकारों अन्य लोगों के विषय में बताया कि निर्देशक छायाकार यानी कि फोटोग्राफर छोटे कलाकार आदि सभी इस गांव में नए नए होने के कारण कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा कि ये कहाँ आ गए, हम कहाँ गए वे सारे कास के फूल, क्योंकि 7 दिन के बाद जब वो वहाँ गए जो कास के फूलों का जो वन था, जो बगीचा था, तो उस मैदान में तो क्या हुआ, वहाँ पर जानवरों ने या पशुओं ने उन्होंने उसको नष्ट कर दिया और कास के फूलों का जो वहाँ सीन लेना था अब वो वहाँ नहीं है, इसीलिए वो उनको पहचान पाने में सक्षम नहीं हुए। और उसी स्थान पर उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए जब पहुँचे तो उस जगह को पहचान नहीं पाए। देखिए, अब अगर हम उस जगह आधे बाकी के आधे भाग की सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। उन्होंने क्या बताया, अगर हम पहले जो सीन ले चुके हैं और अब का जो सीन लेते तो उसके साथ उसका मेल नहीं खाता, उसकी सारी जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है, वो समाप्त हो जाएगी। तो उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश के फूलों से भर गया तब की, कि अगले सीन की जो शूटिंग की हमने तो शरद ऋतु के मौसम में जब काश के जो फूलों का मैदान या बगीचा फिर से भर गया तब से हमने वहाँ शूटिंग पूरी की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल पर देखकर जान लिया था, क्योंकि उन्होंने टाइम टेबल जान लिया था कि कितनी रेलगाड़ियां कितने टाइम पर कैसे आती हैं। हर एक ट्रेन का एक ही दिशा से आने वाली थी, जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते हैं, यानी कि उसके जब रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते हैं तो अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर हैं तो केबिन के यानी कि डिब्बे में चढ़ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था। बॉयलर जहाँ कोयला डाला जाता है उसे बॉयलर बोलते हैं, ताकि काला धुआं निकले और सफ़ेद कास के फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि कास के फूलों पर जब कोयले से धुआं निकलेगा
तो वह दृश्य बहुत ही सुंदर लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य इस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कई बार पैसे की कमी के कारण शूटिंग रोकनी पड़ी, और कई बार उन्होंने जैसे बारिश के कारण, और कई बार क्या हुआ कि जैसे उनकी फिल्म में कुत्ता था भूलो नाम का, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, इन्हीं कारणों से फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। तो आज हम इतना ही करेंगे बेटा, धन्यवाद।